एक सुंदर सी जगह थी, लेकिन ना उसमें ज़ॉम्बीज रहते थे। अब ये तो वही बात हो गई कि एक खूबसूरत सी जगह है लेकिन उसमें कचरा है। तो आज हम लोग इन्हीं ज़ॉम्बीज को यहाँ से खत्म करने वाले और इस खूबसूरत लोकेशन को और ज्यादा खूबसूरत बनाने वाले हैं। तो हम लोगों की एंट्री होती है ये सोडी भाई के जीप से, मतलब काफी कूल सी, काफी खूबसूरत सी ये जीप है। और हमने एक यहाँ पर एक वेपन ले लिया है, मतलब वहाँ से ढिशुम 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 गोलियाँ निकलते हैं, बट हमने ज़ॉम्बीज को मारने की जगह भाई पेड़ को मार दिया। मतलब हम अपने मकसद को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे यहाँ पे। लाइक हमको ज़ॉम्बीज जो कि एनवायरनमेंट को मुश्किल पहुँचा सकते हैं, एनवायरनमेंट को तंग कर सकते हैं, हमें उन्हें मारना था, लेकिन हम लोग एनवायरनमेंट के रक्षक जो कि पेड़ है हम लोग उन्हें मार रहे हैं। मतलब दोगलेपन की भी सीमा होती है। खैर हम लोग इस सोडी भाई के जीप में आगे जाएंगे। तो यार फिलहाल तो मुझे कोई भी ज़ॉम्बीज यहाँ पर नहीं नजर आ रहे, इस वजह से मैं यहाँ के खंभे और पेड़ों को ठोक रहा हूँ। अगर ज़ॉम्बीज दिख गए ना तो मैं उनका सीधा खात्मा कर दूंगा, लाइक मतलब ख़त्म। तो यहाँ पर हमारे लिए ऑटोमेटिकली गेट भी ओपन हो चुकी थी और यहाँ पर मुझे शायद से ऐसा आभास हो रहा है कि ज़ॉम्बीज होंगे एंड हमें आगे यहाँ पर ज़ॉम्बीज मिल गए। और यहाँ पर बोल रहा है कि फाइंड एक्सप्लोरर फ्लैग स्कैटर्ड इन द वर्ल्ड, आई डोंट नो मैम। तो यहाँ पर ज़ॉम्बीज हैं, हमने तोपों की मदद से ख़त्म कर दिया है उनको। और भाई उधर क्या ब्लास्ट किया भाई हमने। देन हम लोग अपनी कार को जंप कराते हैं एंड आगे में भी कुछ ज़ॉम्बीज हमें दिखते हैं तो हम लोग उन्हें भी मारते हैं। देखिए ये वाला ज़ॉम्बी तो मेरे कार में आकर ही दब जाता है। तब मुझे समझ में आता है कि भाई मैं बंदूक से क्यों मार रहा था, मैं कार से डायरेक्ट भी कुचल सकता हूँ, तो मैं कार से कुचलना स्टार्ट कर देता हूँ। बट ये ज़ॉम्बीज भी काफ़ी चालाक रहते हैं, लाइक मेरे को चकमा दे रहे भाई ये। मतलब देखो फिर से कार से छूट गए। बट अभी जैसे जैसे हमारा समय बीतते जा रहा था इस गेम के अंदर, इस खूबसूरत सी जगह के अंदर, ज़ॉम्बीज उतने ही ज़्यादा स्पॉन हो रहे थे एंड उन्हें कंट्रोल में करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। लेकिन फाइनली हमने किसी तरीके से बहुत सारी देर तक के लड़ाई झगड़ा करके उन ज़ॉम्बीज को पटक दिया। अब उस खूबसूरत जगह को तो हमने साफ कर लिया था एंड वो वापस से खूबसूरत बन गई थी। तो अब बारी थी एक और खूबसूरत महल जिस पर ज़ॉम्बीज ने कब्जा कर रखा था, उनसे उस महल को छुटकारा दिलाने की। तो ये है वो खूबसूरत महल जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है यार। आई मीन मेरा दिल आ गया इस पर, लुक एट इट मैन, मतलब काफ़ी ज़्यादा। लेकिन सिवाय इन हरे हरे बंदरों के भाई ये ज़ॉम्बीज, एक तो इनको देख के फट जाती है, लेकिन इस गेम में काफ़ी क्यूट क्यूट ज़ॉम्बीज है। तो मैं फटाफट से अपनी गड्डी में बैठ जाता हूँ और लाइक मैंने पिछले बार अपने गड्डी से, मतलब कार से मारा था, अपने कार से मारा था, वैसे ही मैं मारने के लिए जाता हूँ, लेकिन मेरी आगे जाके कार पलट जाती है और वहाँ पर ज़ॉम्बीज अटैक कर देते हैं भाई और मेरे को सीधा ब्लास्ट कर देते हैं। तो यार मैं इजी समझ रहा था ज़ॉम्बीज को मारने का, लेकिन ज़ॉम्बीज उतने ही ज़्यादा खतरनाक थे। तो मैंने भाई ये जॉब छोड़ दिया, बिकॉज जान है तो ही जान है एंड जिस जॉब के अंदर जान का रिस्क हो उसे एटलीस्ट मैं तो नहीं करूँगा, बिकॉज जान का रिस्क सिर्फ मेरे लिए नहीं है, मेरे जान की परवाह मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके गाइस, तो इस वाले वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। अगर ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, बाकी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक मेरे तरफ से पीस आउट।